भाई 24 साल बाद भी ना गाड़ी एक्सेलरेट में स्टार्ट हो जाती है। ये एक्चुअली जो मॉडल है वो है भाई 5 स्पीड MPFI वाला, कि भी आपको सेकंड हैंड मार्केट में ये गाड़ी आराम से आ रही है। और ये भाई 3-4 बार चेंज हो चुका है, सब अंदाजा लगा लो कि भाई कितनी बड़ी विंडोज है। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई मौसम काफी ज्यादा बढ़िया हो रखा है और इसी के साथ हम आ गए भाई अपने फिर से 800 के साथ। तो आज के वीडियो में मैं कुछ भाई मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं दिखाने वाला हूँ, बल्कि आज के वीडियो में मैं अपनी 800 का पूरा रिव्यू आपको देने वाला हूँ कि इस गाड़ी में उस टाइम क्या कुछ मिला करता था और मतलब कैसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा भाई 800 के साथ। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो हमारा शुरू करते हैं। पहले यार बात करें आगे से, तो आगे से कुछ भाई इस टाइप का गाड़ी का लुक था, बहुत ही सिंपल सा था। ये आपको क्लियर हेडलैम्प्स मिला करती थी, यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट मतलब जो कॉर्नर के होते हैं वो नीचे की तरफ आपको यही क्लियर भाई अपने इंडिकेटर्स वगैरह मिला करते थे। बीच में आपको नंबर प्लेट के लिए जगह, ऊपर की तरफ इस टाइप की ग्रिल मिला करती थी। और ये देख के आपको थोड़े सी भाई नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग जरूर से आ जाएगी, मतलब जिन्होंने 800 वगैरह रखी उनको, कि मारुति ना पहले भाई इस टाइप का लोगो देती थी, मतलब ये ना ऐसे एम होता है ना तो मारुति करके, तो अभी तो भाई सुजुकी का देने लगी है, लेकिन उस टाइम ना मारुति का दिया करती थी जो कि बहुत ही भाई प्यारा सा लगता था। ये भी भाई सेमी सेटअप है वहाँ पे, जैसे क्लियर हेडलाइट्स और आज भी भाई इसके अंदर ना हेलोजन बल्ब है। तो इस टाइप से कुछ है भाई फ्रंट का लुक। और उस टाइम भाई टॉप मॉडल में भी ब्लैक ही कलर का बम्पर आता था और बेस मॉडल में भी ब्लैक ही कलर का बम्पर आता था, ठीक है। यहाँ पे देख के तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ नोजल मिला करते थे जो कि अभी के टाइम पे भाई खत्म ही हो चुके हैं, मतलब बोनेट पे कोई देता भी नहीं है कोई कंपनी इस टाइप से, ये मतलब यहाँ से ना पानी निकलता है। तो इस टाइप के कुछ आपको वाइपर्स जो कि अगेन नॉर्मल है। और एक भाई बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब अभी की जो गाड़ी आने लगी है ना उसमें ये वाला बड़ा मिलता है और ये वाला जो वाइपर है वो छोटा मिलता है, लेकिन उस टाइम ना ये दोनों भी वाइपर मतलब इसी साइज के मिला करते थे, ठीक है। आपको इस टाइप का कुछ आपको आगे का जो ग्लास है वो मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा खासा बड़ा है। यहाँ पे आपको एंटीना मिला करता था नॉर्मल वाला। फिर आते हैं हम साइड से, तो साइड से कुछ इस टाइप का गाड़ी का लुक उस टाइम था। आपको जो ये स्टील रिम्स दिख रहे हो गए वो भाई सिल्वर कलर के आए थे, लेकिन हमने भाई इसे पेंट किया है ब्लैक कलर में अभी भी। तो इस टाइप से कुछ बाकी गाड़ी भाई पूरी पूरी ओरिजिनल है, इसी टाइप से भाई मिला करती थी उस टाइम भी, ठीक है। ये आपको ब्लैक कलर की मिला करते थे जो कि अगेन मैंने व्हाइट कलर की किए हैं। और इस टाइप से कुछ भाई गाड़ी का लुक है, नॉर्मल आपको जो है ना आपका ओवरवेम मिला करता था। अभी के गाड़ी में भाई बहुत ही मतलब बढ़िया बढ़िया ओवरवेम्स आने लगे हैं बड़े बड़े वाले, लेकिन ये वाले जो है ना वो नॉर्मल से भाई थे। और ये भाई 3-4 बार चेंज हो चुका है, मतलब टूट जाते तो भाई बदलना पड़ता है। इस टाइप से कुछ भाई गाड़ी का कुछ साइड लुक है, ज़्यादा कुछ दिखाने जैसा है भी नहीं। 12 इंचेस का टायर मिला करता आपको स्टील रिम, और ये एक्चुअली इस टाइप का जो स्टील रिम था ना वो स्टेपनी में दिया जाता था, और गाड़ी में भाई इस टाइप का स्टील रिम मिला करता था, ठीक है, वो स्टेपनी वाला है। तो इस टाइप से कुछ भाई गाड़ी का साइड लुक है। अभी आप आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, तो पीछे भी कुछ ज़्यादा कुछ खास दिखाने जैसा नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें भाई टेल लाइट की, तो टेल लाइट कुछ इस तरीके से मिला करती थी, लेकिन वो ये नए वाली मॉडल की है, मतलब 2008 में या फिर जो 9, 10, 11 में जो मॉडल आया करता था ना, तो उसमें इस टाइप की आपको टेल लाइट मिला करती थी। नहीं तो आप अगर देखोगे ना 2001 ईयर की, 2002 ईयर की, तो भाई उस टाइम ना क्लियर है टेल लाइट ही मिला करती थी जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा पुरानी दिखती थी। ये एक्चुअली में चेंज हुई है, ये नई वाली लगी है, तो मतलब ये ज़्यादा बढ़िया लगती है उसके कंपैरिजन में। तो अगेन भाई इस टाइप मतलब ये भी साइड से कुछ इस तरीके का ही लुक है गाड़ी का। और यहाँ पे आपको फ्यूल लिड मिला करता था जो कि मैं आपको बाद में खोल के दिखा दूंगा कि किस तरीके से मिला करता था, ठीक है। पहले जब 800 आती थी ना मतलब 90s में, तो उस टाइम पीछे कमानियाँ मिलती थी उसे 800 में, लेकिन इसमें भाई प्रॉपर एक शॉक ऑब्जर्वर्स दिए गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। ये फेंडर पे आपको इंडिकेटर्स मिला करते थे इस टाइम के, कुछ क्लियर इंडिकेटर्स जो कि आगे वाली ऑल्टो में वगैरह भी मिला करते हैं, जो कि मतलब ठीक ठाक है यार। मतलब आप इतने मतलब उस टाइम ज़्यादा फीचर्स भी मिला नहीं करते थे गाड़ी में, आप एक गाड़ी से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो इसका इंजन है ना वो भाई सबसे इस गाड़ी को यूनिक बना देता है, मतलब नॉर्मल 800 से एक अलग 800 भाई बना देता है इस गाड़ी को। वो मैं आपको खोल के दिखाई दूंगा भाई क्या कुछ इंजन इसमें मिला करता था। एक्चुअल में मेरी जो गाड़ी है वो है भाई 2000 की, मतलब 2000 साल की भाई गाड़ी है, तो ऑलरेडी इसको अभी 24 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस गाड़ी को। फ्यूल लिड भाई आपको इस गाड़ी में इस टाइप का कुछ मिला करता था जो कि आपको चाबी से ही खोलना पड़ता था, यहाँ से आराम से भाई पेट्रोल वगैरह भर सकते हो। और उस टाइम ना ये LPG वाला मॉडल काफ़ी ज़्यादा बिकता था, ये LPG वाला मॉडल काफ़ी ज़्यादा लोग लेते थे क्योंकि वो मतलब जेब के ऊपर ज़्यादा भारी नहीं पड़ता था, लेकिन वही है भाई LPG वाला थोड़ा सा रिस्की पड़ जाता है, तो भाई पेट्रोल ही बेस्ट है। और पेट्रोल में भी इसका अच्छा खासा माइलेज भाई गाड़ी मतलब क्लेम करती है,
ये एक्चुअली जो मॉडल है वो है भाई 5 स्पीड MPFI वाला। अब अगर नॉर्मली 800 देखोगे तो वो रहती है भाई 4 स्पीड वाली, मतलब 4 गियर रहते हैं उसमें रिवर्स को छोड़ के, लेकिन इस वाली गाड़ी में भाई 5 गियर है रिवर्स को छोड़ के, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इस गाड़ी को यूनिक बना देते, क्योंकि ये 2-3 साल के लिए ही अवेलेबल था इंडिया में, और तब जिन लोगों ने लिया है भाई उन्हीं लोगों वो लोग अभी तक भाई चला रहे हैं। कुछ कुछ लोगों ने बेचा होगा, कुछ कुछ लोगों ने भाई रखा होगा, तो वो मैं आपको बोनट खोल के दिखा दूंगा कि भाई किस टाइप का इसमें इंजन मिला करता था। अब आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ, कि अंदर भाई गाड़ी में क्या कुछ आपको उस टाइम मिला करता था। तो नॉर्मल से आपको इस टाइप का कुछ डोर मिला करता था, और आप थर्ड साउंड एक बार सुनना भाई, ये देखो भाई पिछला वाला भी सुना देता हूँ। सही चीज है यार, मतलब ना बिल्ड क्वालिटी भाई इससे थोड़ी सी पता चल जाती है, इतनी भी खास नहीं है लेकिन भाई ठीक ठाक है। मारुति के अभी तो अभी जो मारुति बिल्ड क्वालिटी देने लगी है उससे तो थोड़ी बेटर ही है भाई। इस टाइप का कुछ आपको OG लॉक मिला करता था, जो कि अभी की गाड़ी में भाई मतलब नहीं मिलता। इस टाइप का कुछ आपको डोर हैंडल मिला करता था, और उस टाइम भी भाई इस टाइप के कुछ आपको मैनुअल विंडोज़ मिला करती थी, कोई पावर विंडो वगैरह नहीं था, ना टॉप मॉडल में मिला करता था ना बेस मॉडल में मिला करता था। और भाई इससे मतलब यूज़ करना एक अलग ही मतलब वो बात है, मतलब बढ़िया लगता है यार। ये कुछ आपको इस टाइप का हैंडल मिला करता था। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस रखने के लिए, मतलब आप अगर थोड़ा सा गाड़ी पोंछने का जो आपका वो रहता है क्लॉथ वगैरह वो रख सकते हो, या फिर कोई भी बुक वगैरह कुछ भी रख सकते हो, बॉटल तो नहीं रख सकते आप हाल फिलहाल, लेकिन वैसा तो कुछ रख सकते हो। सीट का अगर कंफर्ट की बात करें तो सीट मतलब कंफर्ट देखो प्राइसेस के हिसाब से तो उस टाइम मतलब बहुत बढ़िया कंफर्ट था, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। आप अगर ज़्यादा लंबी जर्नी करोगे तो थोड़ी सी आपको पीठ ना वो अकड़ जाएगी, लेकिन ठीक ठाक है कंफर्ट। और भाई क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है यार, ये जो सीट कवर्स है ना वो मैंने चेंज नहीं किए भाई, जैसे मतलब 2000 में जिस टाइप के भाई सीट कवर्स मिला करते थे उसी टाइप के अभी तक है भाई। और ये कंपनी फिटेड है, मतलब सही क्वालिटी देती थी यार कंपनी, यहाँ से थोड़ा सा खराब हो चुका है, नहीं तो भाई मतलब यूज़ भी हुई है यार बहुत ज़्यादा गाड़ी। आप अब अंदाज़ा लगा सकते भाई 24 साल में भाई गाड़ी कितनी यूज़ हुई होगी। और उस टाइम ना भाई एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिला करते थे आपको, वो वाला भी और ये वाला भी, जो कि अभी ऑल्टो वगैरह में भाई मिला ही नहीं करता भाई, ये थोड़ा सा मिसिंग है अभी के ऑल्टो में, या फिर आप दूसरी भी गाड़ी ले सकते हो सेलेरियो वगैरह, उसमें भी नहीं मिलता भाई। उस टाइम ना 800 में ये वाला मिला करता जो कि भाई बहुत ही बढ़िया था, और सीट का कंफर्ट भी अच्छा खासा है भाई प्राइसेस के हिसाब से उस टाइम भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिला करता था, और क्वालिटी भी सीट की बहुत ही अच्छी है। और थोड़ा सा इसे भाई थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, आपको लेग रूम भी दिखाना है भाई पीछे वाला, ठीक है ये हो गया भाई पूरी पीछे। अभी अंदर की तरफ बैठ जाते हैं और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा अंदर क्या कुछ मिला करता था। तो इस टाइप का कुछ भाई आपका इंटीरियर है, ऊपर आपको इस टाइप का कुछ रियर व्यू मिरर मिला करता था, यहाँ पे आपको लाइट जो कि अगेन हैलोजन मिला करती थी लेकिन इसके अंदर हमने LED लगवाई है। इस टाइप का कुछ आपको सनवाइजर मिला करता था, ना ही कुछ भाई मतलब वो मिरर वगैरह इस पर मिलता है, अभी के भी नहीं मिलता भाई गाड़ी में, तो तब कहाँ मिलता भाई। इस टाइप का कुछ आपको मैनुअल स्टीयरिंग मिला करता था, जो कि अगेन भाई मतलब ऐसा लगता है कि आप भाई ट्रक चला रहे हो सच में। जो भाई पावर स्टीयरिंग की जिसको आदत लग चुकी है ना वो भाई एक बार ये गाड़ी चला के दिखाए भाई, बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टीयरिंग है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और आगे आप जब मतलब गाड़ी की कीज़ वगैरह निकालते हो ना भाई इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना क्या ही बोलूँ भाई, मतलब हाईवे पे वगैरह पता नहीं चलता, लेकिन आप अगर गाँव में वगैरह गाड़ी चलाते हो तो आपको भाई मैनुअल स्टीयरिंग का जो है ना वो पता चल जाएगा भाई इसे हैंडल करना कितना ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पर आपको कुछ ये वाइपर के वगैरह कंट्रोल्स मिला करते थे, ये देखो ये सारी कंट्रोल्स है ठीक है, और यहाँ पे आपको मिला करते थे भाई। एक मिनट गाड़ी थोड़ी सी अनलॉक कर लो, ये देखो भाई ये हो गया सी आप इसका, हाँ यहाँ पे आपको मिला करते थे भाई ये कुछ लाइट के कंट्रोल्स ठीक है। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल फ़ैन मिला करता था ठीक है, ये टॉप मॉडल में भाई आपको यहाँ पे AC मिलता था, इस वाले मॉडल में नहीं है AC, यहाँ पे कुछ AC कंट्रोल्स वगैरह है ठीक है, ये बेसिकली AC के कंट्रोल्स हैं, लेकिन आपको इसमें नॉर्मल फैन मिला करता था। ये इसके वेंट्स, यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती थी भाई कुछ रखने की, यहाँ पे एक आपको ग्लो बॉक्स मिला करता था, स्पेस तो है भाई ठीक ठाक है गाड़ी में, यहाँ पे कुछ आपको ऐसी स्पेस, यहाँ पे एक और आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती थी, यहाँ पे भी स्पेस है, मतलब स्पेस तो भाई भरपूर है गाड़ी में, आपको मतलब सामान वगैरह रख सकते हो। और एक सीक्रेट स्पेस है जो कि लोगों को नहीं पता चलती, ये देखो भाई ये होता भाई ऐश्ट्रे, उस टाइम थोड़ा सा भाई ये फेमस था मतलब गाड़ी में वगैरह मिला करता था। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिला करता था, बाकी कुछ तो भाई गाड़ी में खास करके नहीं था। यहाँ पे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह लगा सकते हो, लेकिन इस गाड़ी में भाई ये एक अलग से लगा था, तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही बढ़िया वाला लगाया था, लेकिन भाई मतलब ये चोरी हो गया, किसी ने भाई चोरी कर लिया, तो मतलब बहुत ही बुरा लगता है भाई गाड़ी में से कुछ चोरी हो जाए तो। चलो भाई ठीक है, और ये है भाई इस गाड़ी की कुछ खास चीज, जो कि है भाई अपना 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि इस गाड़ी को थोड़ा सा भाई भीड़ चाड़ से अलग बना देता है।
यहाँ पर आपको इस टाइप का कुछ हैंड ब्रेक मिला करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा है। यहाँ पर आपको ये सीट बेल्ट के कुछ आपको सीट बेल्ट लगाने के लिए हुक्स वगैरह मिला करते थे। अब सही चीज़ है, मतलब बहुत ही सिंपल और सोबर सी गाड़ी थी, मतलब बढ़िया है यार, ना कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ना कुछ ये, और मतलब सही चीज़ थी भाई। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं ऑन करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो 140 तक आपको मार्किंग मिला करती थी, और इसकी मेन मतलब अच्छी बात ये है कि भाई ये ना 140 क्रॉस कर लेती है भाई, मतलब वो ज़्यादा सही बात है। मैंने अभी तक नहीं भगाई है भाई, मैं भगाना भी नहीं चाहता, लेकिन मैंने वीडियोस वगैरह देखी है भाई, 5 स्पीड वाली जो थी ना उसका भाई यही बढ़िया बात थी कि भाई वो 140 स्पीड तक क्रॉस कर लेती है। ये मतलब ऐसी पहली गाड़ी थी कि जो लिमिट तक चलती थी, मतलब जितना आपको लिमिट है ना स्पीड मीटर का उतना भाई चल ही जाती थी ये। यहाँ पे आपको कुछ ये पेट्रोल के वगैरह पेट्रोल का गेज मिल जाता था, यहाँ पे आपको टेम्परेचर का, ठीक है, यहाँ पे ऐसी कुछ आपको सेंस मिला करती थी जो कि ब्रेक का, इंजन लाइट, पार्किंग मतलब आपका हैंड ब्रेक का वगैरह, ये ऑयल का, बैटरी का, और यहाँ पे आपको जो है ना वो लाइट का मिला करता था। तो सही चीज़ है, ये आपको इंडिकेटर के दोनों भी स्विच आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई सब कुछ अभी चालू है भाई, मतलब बढ़िया चीज़ है यार ये भाई। 24 साल से ना इसमें एक भी चीज़ मतलब ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा खराब नहीं हुई है अभी तक, तो मतलब वैसी की वैसी ही चल रही है जैसे भाई पहले चलती थी, मतलब वो भाई ज़्यादा बढ़िया बात है, मतलब मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा सही लगता है वो चीज़। ठीक है, तो अभी आपको मैं पीछे का थोड़ा सा स्पेस वगैरह दिखा देता हूँ, और यहाँ पे भी मिला करता था भाई, ये भी एक वेंट, और यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस मिला करती है, स्पेस भाई भरपूर है गाड़ी में, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ स्पेस भाई भरपूर ही है गाड़ी में। ठीक है, अभी थोड़ा सा पीछे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में लेग रूम वगैरह किस टाइप का मिला करता था। ठीक है, तो 4 लोगों के लिए भाई मेरे ख्याल से तो ये एक परफेक्ट गाड़ी थी, और पीछे उस टाइम ना सीट बेल्ट आपको नहीं मिला करता था, ये देख लो सीट बेल्ट वगैरह गाड़ी में नहीं था पीछे, क्योंकि उस टाइम इतने रूल्स वगैरह स्ट्रिक्ट नहीं थे, आगे आपको जरूर से मिला करता था लेकिन पीछे आपको नहीं मिला करता था, वो मतलब बाद में कंपनी ने वगैरह ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पे भाई कुछ ट्राईपॉड वगैरह मेरा पड़ा है, तो अभी बैठ जाए, मतलब ये मैंने सीट ना पूरी पीछे कर रखी है, तो अभी मैं दिखा देता आपको लेग रूम, ये भी हटा देते हैं भाई। ठीक है, ये देख लो भाई, ठीक है, मैं पूरा भाई मतलब आराम से बैठ गया हूँ, और ये देखो लेग रूम, मतलब पूरी की पूरी मैंने पीछे कर रखी है सीट, और ये देखो पूरी भाई पीछे करके कोई गाड़ी चलाता भी नहीं है। ठीक है, अभी मतलब मेरी इतनी उंगलियां ना जा रही है अंदर, मतलब सही सही सा मतलब लेग रूम है, ठीक ठाक है, मेरी हाइट अभी भाई 5'8" है, तो उस हिसाब से भाई ठीक ठाक लेग रूम है यार, ये देख लो, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ज़्यादा इस गाड़ी से भाई, मतलब उस टाइम जो मतलब अभी भी आपको सेकंड हैंड मार्केट में ये गाड़ी आराम से हमारे यहाँ पे तो भाई 30-35 हज़ार में बिक जाती है भाई, मतलब सही चीज़ है यार अपनी फैमिली के लिए, थोड़ा मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं है, अगर कुछ काम आता है तो भाई कराओ और भाई अपना घुमाते रहो भाई गाड़ी। ठीक है, तो सही लेग रूम है अपना। हेडरूम आपको दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट, ये देख लो भाई हेडरूम, ठीक है, अभी भी इतना बच रहा है भाई, तो मतलब सही चीज़ है, अभी मतलब आराम से लोग अंदर बैठ जाते हैं, इतना हेडरूम भाई अभी भी गाड़ी में बच रहा है, मतलब ठीक ठाक है यार। यहाँ पे आपको दिखाओ तो इस टाइप का कुछ आपको ये डोर मिला करता था, यहाँ पे भी भाई सेम ही है, ये डोर हैंडल, ये डोर खोलने के लिए, और ये अपने मैनुअल विंडोज, ठीक है, सही चीज़ है भाई, और ये भाई अपना ओजी वाला तो लॉक है ही, और मतलब विंडोज़ भी इसकी भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिला करती थी, मतलब ये देख लो भाई कितने, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि भाई कितनी बड़ी विंडोज़ है भाई, उससे भी पता चल जाता है कि मतलब एसी भी ना हो ना गाड़ी में तो भी भाई आराम से विंडोज़ खोल लो, ताज़ी ताज़ी भाई हवा लेते रहो, क्वार्टर पैनल भी, क्वार्टर ग्लास जो है वो भी भाई बहुत बड़ा है, ये वाला भी और भाई ये वाला भी। ठीक है, अभी चल जाते, और पीछे के सीट का भी कम्फर्ट भाई बहुत ही ज़्यादा सही है, थोड़ा सा आपको नेक के लिए भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन वो भी भाई ठीक ठाक है, और चल जाता है भाई अपना। अभी दिखा देता हूँ आपको भाई बूट की, बूट के अंदर आपको क्या कुछ मिला करता था, बूट में थोड़ा सा भाई सामान वगैरह पड़ा है लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ हमने भाई बेस्ट वगैरह लगवाई थी तो इसे छोड़ो भाई, और यहाँ पे आपको स्पीकर्स के लिए थोड़ी सी जगह वगैरह मिला करती थी, और इसके नीचे भाई स्टेपनी मिलती है, और यही कुछ नॉर्मल सा फैमिली के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट गाड़ी है, और सही से चीज़ मतलब आप फैमिली भाई 4 लोगों का भाई कितना ही सामान होगा आराम से भाई अंदर भर लो और चलते बनो, अगर 2 आदमी हो और भाई सामान ज़्यादा है तो भाई बेस्ट है, और भाई ये सीट का थोड़ा सा भाई इग्नोर कर लेना, ठीक है, ये थोड़ी सी ख़राब हो रखी है लेकिन फिर भी आज 24 साल हो चुके हैं गाड़ी को तो भाई ये तो ख़राब होगा ही। ठीक है, अभी ये निकाल लेते हैं भाई थोड़ा सा, और मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये देख लो, ठीक है, तो मतलब 2 लोग अगर जा रहे हो, सामान ज़्यादा है तो भाई आराम से भाई ये सीट फोल्ड करो और भाई दुनिया भर का आप सामान इसमें ले जा सकते हो। अब इसे करते हैं भाई बंद, और ये देखो भाई ये एक 5 स्पीड 12 mpf इंजन जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका ही भाई मेन पैसा था उस टाइम इस गाड़ी में। अभी आप थोड़ी सीट वगैरह भाई ठीक कर लेते हैं, ये हो गया, अभी मैं आपको मेन
अभी मैं आपको मेन दिखाता हूँ भाई इस गाड़ी का इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग वेट कर रहे होंगे कि हमें इस गाड़ी का इंजन दिखाना। तो यहाँ से भाई खोल लेते इंजन, ये मतलब बोनेट, सॉरी इंजन बोल दिया मैंने। अब देख लो भाई, ये देखो, तो ये है भाई 3 सिलेंडर भाई 796 cc का हाई स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला MPFI इंजन, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा उस टाइम फेमस था, 2-3 साल के लिए था और बाद में इंजन बंद हो गया। ये कुछ इसकी हालत, और अभी भी भाई इंजन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। खाली हमने बैटरी वगैरह थोड़ी सी इसकी चेंज करवाई है और बाकी कुछ इसमें ज़्यादातर गाड़ी में काम हुआ ही नहीं है। मेजर तो काम एक भी बार इस गाड़ी का नहीं हुआ है, नॉर्मल इसकी सर्विस वगैरह वही सारी चीज़ें, बाकी कुछ ज़्यादा इसका नहीं हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ भाई बढ़िया है। और अभी मैं आपको सुनाता भी हूँ कि भाई इंजन का साउंड वगैरह, ठीक है, एक बार इसे भाई फिट कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी से भाई आप इस गाड़ी के साउंड सुनना, और भाई 24 साल बाद में ना गाड़ी एक्सेल में स्टार्ट हो जाती है। ये कर दी भाई ऑन, अभी आप सुनना। तो भाई मतलब 24 ईयर्स भाई इस गाड़ी को हो चुके हैं कंप्लीट, उसके बाद भी भाई गाड़ी एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है, ना तो लंबा भाई सेल्फ खींचती है ना कुछ करती है, भाई एक सेल्फ में अभी भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी यार पेट्रोल वगैरह अगर ख़त्म हो जाए ना, अगर किसी मतलब इसके टंकी में एक भी एक साइड वगैरह चला जाए पेट्रोल, तो थोड़ा सा लंबा सेल्फ खींचती है, लेकिन भाई एक ही सेल्फ में भाई गाड़ी अभी भी स्टार्ट हो जाती है, जो कि भाई इस गाड़ी की मतलब बहुत ही बढ़िया बात है। और रिलायबिलिटी के मामले में तो भाई मारुति 800 का कोई भाई मतलब तोड़ ही नहीं है, रिलायबिलिटी भाई इससे इस गाड़ी की पता चल जाती है, और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इंजन है भाई इसका। अभी मतलब अभी के टाइम पे भी ना मैं इसे बहुत बहुत मतलब दूर दूर तक लेके गया हूँ, इसकी भाई रनिंग वगैरह हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी में ना एक भी भाई मतलब ऐसी दिक्कत वगैरह नहीं आई थी जो कि भाई मेरे सर दर्द ही बढ़ा दे, मतलब सही चीज़ है यार ये भी ना। अभी इसे कर लेते थोड़ा सा भाई बंद। तो ये था भाई कुछ इस 800 का रिव्यू, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और भाई ये भी ज़रूर बताना कि आपको 800 कैसी लगती थी, अगर आपके पास भी थी तो भाई मुझे मतलब उसका एक्सपीरियंस भी शेयर कर देना। तो यही था कुछ हमारी प्यारी सी 800 का रिव्यू, और अभी भी यार इस गाड़ी को बेचने का वगैरह ख्याल कुछ भी नहीं है मेरा, सही चीज़ है भाई, अभी भी मुझे रिग्रेट नहीं होता कि भाई हमने 800 ली है। तो ठीक है भाई, यही था कुछ मेरे 800 का एक्सपीरियंस, और मिलते हैं ऐसे किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आर नेक्स्ट वीडियोज़।